हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्क सीएससी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है दोस्तों। जी हां दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के मार्फत से इन्फॉर्मेशन देंगे गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में, जो हम सर्विस जो लिए हुए थे और हमारा कहाँ तक प्रोसेस अभी तक पहुँचा है, इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे और दिख लेंगे। आप भी लेना चाहते हैं सीएससी के द्वारा गैस एजेंसी का काम, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे में, तो आप आसानी से सीएससी से जुड़ करके आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा मौका है और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। ये बिजनेस जो है फ्रेंड्स, ये बिजनेस है हमेशा चलने वाला है बिजनेस, ठीक है। ये बिजनेस हमेशा आपको चलेगा और नगदा भी चलने वाला बिजनेस है। अब इस बिजनेस में कभी उधार काम इसमें आपको लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए, हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं इस वीडियो के मार्फत से, और इसमें बताएंगे आपको कि यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे और कैसे आपको अप्लाई करना है इस वीडियो के मार्फत से आज हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको हम बताना चाहते हैं, आप देख रहे हैं डिजिटल वर्क सीएससी। हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे गैस एजेंसी के बारे में, जब हम रजिस्ट्रेशन किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएससी से गैस का एजेंसी की लेने के लिए जो है, हम यहाँ पे एक वीडियो इस पर ऐड किए हुए हैं। आप यहाँ पे आकर के हमारे वीडियो को फॉलो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो विशेष बात हम करते हैं, अपने इस मुद्दे पर बात करते हैं कि हमारा जो काम है गैस एजेंसी का कहाँ तक पहुँचा है और क्या प्रोसेस है, वो अभी तक इसमें हमारा कन्फर्म नहीं हो पाया। सिर्फ हमारे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं, अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिला है, ना ही कोई वो भी यूजर आईडी पासवर्ड मिला है। तो दोस्तों, हम भी आपको ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में साझा करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पे दिखाते हैं लॉगिन करके कि मेरा आपको यदि लेना चाहते हैं तो कैसे, सबसे पहले आपको कैसे करना है, यहाँ पे सीएससी पोर्टल ओपन कर लेना है। पासवर्ड डालिए, कैप्चा डाल लेते हैं। अब तो साइन कर लेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तो बड़े यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम साइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये डिजिटल पोर्टल से खुल चुका है, ठीक है। तो आज हम आपको बताते हैं फिर कैसे आपको इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है, यहाँ पे सर्विस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो के मार्फत इतना जानकारी देना चाहते हैं कि जब हम अप्लाई किए थे तो अभी तक हमें यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिल पाया है और हमें एजेंसी से कुछ सपोर्ट अभी भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन हम वो कहने के मुताबिक यदि कुछ ऐसा है ना, यदि हम एजेंसी पर फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करते हैं तो उसमें नहीं हमारा कोई सीएससी का बिजनेस इंक्लूड होगा और ना ही हमें कुछ तरह का पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो क्या एजेंसी पे फ्री में एक महीना काम करना उचित है या गलत है या सही है, आप हमें कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए, हम यहाँ पर वीडियो पर आपको दिखाते हैं जब गैस का हमारे पोर्टल पे जो खुलते हैं वो क्या प्रोसेस है, यहाँ पे देखते हैं। सॉरी, आप साथ पे हम लिख लेते हैं एलपीजी, ठीक है। यहाँ पे मेरा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मंत्रालय का ये डायरेक्ट हमारा ये लॉगिन पेज खुल गया। यहाँ पे हम डिजिटल सेवा पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सीएससी आईडी है, यूजर टाइप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रोसीड कर लेंगे। तो फ्रेंड, देखिए, यहाँ पे आपको ये तीन सा सर्विस आपको मिलेगा आपको वर्क करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सीएससी आईडी है, लॉगआउट है और यहाँ पे होम पेज है। यहाँ पे एलपीजी बुकिंग सिलेंडर थ्रॉट सीएससी यहाँ बुकिंग कर सकते हैं, उज्ज्वला केवाईसी एप्लीकेशन थ्रॉट सीएससी उज्ज्वला केवाईसी कर सकते हैं, और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थ्रॉट सीएससी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको तीनों का मतलब इस समझाना चाहते हैं दोस्तों कि आप एलपीजी सिलेंडर यदि आप चाहते हैं कि आपको फिलहाल यूजर आईडी पासवर्ड इससे नहीं मिल पाया है तो आप एलपीजी बुकिंग सिलेंडर कर सकते हैं, अपने सेंटर पर रख सकते हैं, मंगा सकते हैं, ठीक है। और उज्ज्वला केवाईसी का भी ऑप्शन जब आपके सेंटर आपके पोर्टल पर चालू हो जाएगा तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ गए कि यहाँ पर
गैस सिलेंडर का आपको बुकिंग करना है उज्ज्वला केवाईसी के पे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एलपीजी रिफिलिंग, उज्ज्वला न्यू कनेक्शन, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से वीएलई रिपोर्ट, ठीक है। हमारा जो है हमारे जो भी माने हम रजिस्टर किए हुए हमारे एसपी के साथ में टाई अप है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे, देखते हैं बस। ओएमसी रिस्पॉन्स समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन अफेयर सम टाइम। यानी कि ये हमारे पास ही नहीं, ऐसा इशू हमारे जितने भी वीएलई है और हमारे यूपी में है, मध्य प्रदेश में, यानी कि जितने भी बिहार में अगर वगैरह जितने भी स्टेट हैं, उस जो भी स्टेट में है उन सभी के पोर्टल पर अभी इस तरह का समस्या आ रहा है। अभी केवाईसी के लिए जो है अभी पोर्टल नहीं खुल पा रहा है, लेकिन अब तक जब हम संपर्क भी करना चाहे तब तक हमें कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क इस मैटर पर हो नहीं पाया और वो कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन करते नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, फिर से सबमिट कर देते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी वही एरर आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम जब रजिस्ट्रेशन इस पर माने कर चुके हैं, हमें ना ही हमें यूजर आईडी पासवर्ड मिला और केवाईसी करने का भी ऑथेंटिकेशन साइड नहीं मिल पाया, इसके वजह से ऐसा लिख रहा है, लेकिन बसते मेरा पोर्टल जो है ये खुल चुका है, ठीक है। न्यू जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें उज्ज्वला न्यू कनेक्शन पर, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन और गैस डिस्ट्रीब्यूटर, यदि आप गैस डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं तो आपको एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिख करके आ रहा है यू हैव एल यदि रजिस्टर विथ दिस पोर्टल, यानी कि हम रजिस्टर इस पोर्टल पे कर चुके हैं लेकिन अब तक हमें यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिल पाया है और हमारा जो सिलेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर है जयराम एचपी गैस ग्रामीण वितरक, ठीक है, जो कि हमारे सेंटर से 16 किलोमीटर के अंदर में ही 16 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन ये हमें अगस्त में ही किया हुआ माने कर दिए थे लेकिन अब तक हमें कुछ तरह का पेपर वगैरह वगैरह नहीं मिल पाया है। जो हमारे हमें डॉक्यूमेंट मिला है, रिपोर्ट मिला है, वो हम हमारे पास है, सही है, बाकी कुछ अब तक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। तो दोस्तों इस छोटा सा वीडियो में हमको आपको दिखाने का मेरा मतलब यही था कि यदि आप भी न्यू कनेक्शन के लिए परेशान हैं, चाहे आपको नहीं मिल पाया है, हमारे भेली भाई हैं, यदि आप भी रजिस्ट्रेशन करके बैठे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि आपके साथ भी ऐसा परेशानी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली बात ये है भी है कि यदि आपके जो आपका सेंटर है जहाँ से आपका लिंक हुआ है वहाँ पर यदि आपका संबंध अच्छा है तो आपको वहाँ सपोर्ट आपको मिल सकता है। बस सकते आप उनको अब उनको आप कहिएगा कि बॉस देखिए ऐसा ऐसा बात है कि हम ऑनलाइन भी हम गैस बुकिंग करते हैं, ठीक है। तो हम अभी जो है हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा कीजिए कि आप हमें यूजर आईडी पासवर्ड दीजिए और सिलेंडर हमें दीजिए, हम आपका काम वहाँ पे बैठ कर करेंगे, ठीक है। तो एक टारगेट आपको बना लेना है कि हमको महीने में 5 कनेक्शन कर लेना है, कोई सा फ्री वाला हो या फिर पैसा वाला हो, ठीक है। पैसा वाला कीजिएगा तो अच्छा बेनिफिट आपको होगा और फ्री वाला कीजिएगा तो उस पर अभी फ्री वाला में अभी आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप पैसा वाला कीजिएगा तो आपको अच्छा कमीशन उसमें वो आपको जो लिंक सेंटर रहेगा वो आप सेंटर से आपको वहाँ से पैसा कमीशन अच्छा खासा मिल भी सकता है। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो से जानकारी देना चाह रहे थे इसीलिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि यदि आप भी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, यदि करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा कैसे कैसे क्या करना है, तो उनसे तो जाकर के ही आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अच्छा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आप कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चल पाएगा कि आप बहुत से ऐसे भीली भाई है कि उनका भी काम इसी तरह से रुका हुआ है कि और उनके भी पोर्टल पे इस तरह का समस्या आ रहा है। जैसे कि आप कनेक्शन कीजिए, जैसे कि सपोर्ट आप एलपीजी रिफिल बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। एलपीजी लूफी बुकिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं है लेकिन रिफिल बुकिंग कर सकते हैं, न्यू कनेक्शन अभी आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सभी के पोर्टल पे इस तरह का समस्या आ रहा है, कोई सा भी कर लीजिएगा, यहाँ पे बार बार इतना ही एरर आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे समझ गए और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए जैसे ही आपको करना है कीजिएगा तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको वेरीफाई करना होगा, और क्या यदि आप डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं तो ठीक है, यदि आप उस डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट माने उसमें लगता है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट हम आपके जो आप कमेंट कीजिएगा तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोडिंग करके आसानी से कर सकते हैं फिर। तो आज के वीडियो में इतना ही, अच्छा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूँ गौतम कुमार सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्क CSE।